तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की 13 सीटों पर मतदान हो चुका है। ऐसे में वोटिंग होने के एक दिन बाद क्या कहता है जनता का मन, क्योंकि कई बड़े एक्सपर्ट लोगों ने और जनता ने अपनी राय रख दी है और कई बड़े एक्सपर्ट लोगों ने इस पर विचार विमर्श करने के बाद आखिर 13 सीटों का क्या विश्लेषण कहता है, चुनावी विश्लेषण आपको दिखाएंगे। आखिरकार किस दल को कितनी सीटें जा सकती हैं, रघुबर दास के लिए पहले चरण के लिए पहली परीक्षा में कितने अंक यहां पर मिल सकते हैं, जनता ने अपनी राय रख दी है। 13 सीटों पर शनिवार को 64% मतदान हुआ है और 2014 में 13 सीटों पर 63% मतदान हुआ था। तो क्या कहता है अब झारखंड के लिए एग्जिट पोल, क्योंकि अगर बात करें तो झारखंड में कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी का महागठबंधन है। ऐसे में जेएमएम 2014 में इन 13 सीटों पर एक भी सीट हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन 2014 में इन 13 सीटों पर कौन ने जीत हासिल की थी, किसको मिली थी सक्सेस, आपको पहले वो जानकारी दे देते हैं। गुमला सीट के लिए अगर बात करें तो सीट को बीजेपी ने जीता था 2014 में। डाल्टनगंज की बात की तो सीट को जीता था जेडीएम ने, लेकिन अब यहां पर प्रत्याशी जो थे अशोक कुमार चौरसिया वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आखिर में दिखाएंगे आपको 13 सीटों के लिए क्या कहता है एग्जिट पोल, किसको कितनी सीटें जा सकती हैं। इससे पहले बिशनपुर इस सीट पर यहां पर कह सकते हैं जेडीएम ने सीट को भी जीता था 2014 में। यहां पर लहरदगा की बात की तो सीट को एजीएस पार्टी ने जीता था और कहीं ना कहीं सीट पर अब कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। छतरपुर सीट भी यहां पर राधा कृष्ण किशोर बीजेपी ने जीता था, लेकिन इस बार राधा कृष्ण जो है वो एजीएस में सम्मिलित हो चुके हैं और पुष्पा देवी बीजेपी से इस बार चुनावी मैदान में, तो दल यहां पर बदल चुके हैं। मणिका की बात की तो हरिकृष्ण सिंह बीजेपी ने सीट को जीता था और कह सकते हैं कि रघुपाल सिंह इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं। हुसैनाबाद में चौमुखी में यहां पर मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने अपना यहां पर सीट पर कैंडिडेट नहीं उतारा है, लेकिन बीजेपी तरफ से यहां पर विनोद कुमार सिंह जो निर्दलीय हैं उनको इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। 80 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन एक सीट जो है वो है हुसैनाबाद, जहाँ से एजीएस पार्टी दम भर रही है सीट को जीतने के लिए। लातेहार की बात की तो प्रकाश राम जेवीएम ने सीट को जीता था 2014 में, लेकिन 2019 में क्या कहता है एग्जिट पोल, आगे आपको इसकी जानकारी मिलने वाली है। की बात की तो सत्येंद्र नाथ तिवारी बीजेपी ने सीट को जीता था। पंकी की बात की तो विदेश सिंह यहाँ पर कांग्रेस ने सीट को 2014 में जीता था। भवनाथपुर की बात की तो भानु प्रताप साई ने इस बार सीट को जीता था 2014 में, लेकिन इस बार जो है ये कैंडिडेट जो है भानु प्रताप साई वो बीजेपी में सम्मिलित हो चुके हैं। चतरा की बात की तो इस सीट को बीजेपी ने 2014 में जीता था। इसके अलावा विश्रामपुर बात करें तो रामचंद्र चंद्रवंशी बीजेपी ने इस सीट को जीता था। 2014 में अगर बात की तो बीजेपी ने 13 सीटों में से 7 सीट जीती थी, लेकिन 2019 के एग्जिट पोल और जनता की अपनी राय और आपके कमेंट के आधार पर कई बड़े सर्वे और कई बड़े एक्सपर्ट लोगों ने इसमें राय रखी है, उसके आधार पर आपको ये जानकारी दिखा रहे हैं। और फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें ये फाइनल आंकड़े बिल्कुल नहीं है, 23 दिसंबर को ही आपको फाइनल आंकड़े देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी हाल जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि बीजेपी को इन 13 सीटों में से 4 सीट मिल सकती है और आपके कमेंट के आधार पर भी जानकारी कलेक्ट की जाती है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं किस दल को कितनी सीटें जा सकती है। इसके अलावा 13 सीटों के लिए जेएमएम को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन जेएमएम की काफी चर्चा यहां पर की जा रही है। कहा जा रहा है कि जेएमएम एक बड़ा दल यहां पर उभार कर सामने आ सकता है, क्योंकि जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन में इस बार चुनावी मैदान में उतरा है। इस कारण से 13 में से 4 सीट यहां पर जेएमएम के खाते में भी जा सकती है। और इसके अलावा कांग्रेस को पहले भी एक सीट मिली थी, इस बार भी एक सीट यहां पर मिलने की उम्मीद बताई जा रही है, लेकिन झारखंड विकास मोर्चा यानी जेबीएम को 2 सीट का नुकसान होता है। 3 सीट पहले मिली थी, लेकिन इस बार एक सीट मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। एजीएस जो पार्टी है उसको भी एक सीट का नुकसान हो रहा है। 2014 में यहाँ पर 2 सीट मिली थी, लेकिन इस बार एक सीट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एक सीट यहाँ पर उनके दल जो है वो बदल चुके हैं, कैंडिडेट बदल चुके हैं, लेकिन अदर के खाते में 2 सीट जा सकती है। एक सीट यहाँ पर जो कह सकती है कि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और निर्दलीय यहाँ पर चुनावी मैदान में है, तो कहना चाहिए कि एक सीट जो निर्दलीय वो है और एक आरजेडी यहाँ से सीट निकाल सकती है, तो कुल मिलाकर 2 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि इन 13 सीटों के लिए किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपकी जानकारी के बताने फाइनल आंकड़े 23 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलता रहे। तो चलिए एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।